जय श्री श्याम दोस्तों, आज हम आए हैं श्री श्याम की नगरी खाटू में और आज हम देखने वाले हैं श्री श्याम कुंड का रहस्य क्या है, श्री श्याम कुंड की महिमा क्या है, पुराने ग्रंथों में पुराने इतिहास में श्याम कुंड के बारे में क्या बताया गया है। चलो चलते हैं आगे। जय श्री श्याम बाबा की। तो भाई श्याम कुंड में जाने से पहले अपन को इसमें होके निकलना होता है। वाओ भाई, पूरी थकान उतर गई एकदम से। जय श्री श्याम बाबा की। जय बोलो हारे के सहारे की। जय बोलो तीन बाण धारी की। ये हमारा श्याम कुंड, इधर से चले ना, इधर चलते हैं। हाँ तो भाई, ये बोला जाता है, ये माना जाता है कि यहाँ पर नहाने से हर दुख का निवारण होता है। कहा जाता है श्री श्याम कुंड का पानी 12 महीने पवित्र जल से भरा रहता है। जय बोलो हारे के सहारे की। जय बोलो श्याम बाबा की। जय बोलो तीन बाण धारी की। इतिहास के अनुसार महाभारत के युद्ध के समय भगवान कृष्ण ने बर्बरिक से उनका शीश दान में मांग लिया था और बर्बरिक के शीश को महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने रूपवती नदी में बहा दिया था। भाई हम नहाएंगे नहीं यहाँ पे, चींटे लगाएंगे बाबा के। प्रसिद्ध इतिहासकार पंडित जावर मल शर्मा के अनुसार प्राचीन काल में इस कुंड के स्थान पर एक विशाल टीला हुआ करता था। कुछ समय बाद में उस टीले पर एक पेड़ उगाया। ईदा जाट की गाय यहाँ चरने के लिए जाती थी। जैसे ही वह गाय उस पेड़ के पास आती थी, उसका दूध ऑटोमेटिकली टपकने लग जाता था। गाय का दूध कम होने के कारण ईदा को संदेह हुआ। अगले दिन ईदा गाय को लेकर उसको चराने के लिए आया और अपनी आंखों से पेड़ के पास गाय का दूध टपकते देखा तो उसे आश्चर्यचकित हुआ। और उसी रात श्याम बाबा ने ईदा को स्वप्न में कहा कि मैं तेरी गाय का दूध शक्तिपूर्वक पीता हूँ। और सपने में आगे कहा, मैं इस वृक्ष के नीचे भूमि में मूर्ति के रूप में दबा हुआ हूँ। यहाँ के राजा से कहो कि वह यहाँ खुदाई करवा कर मेरी मूर्ति निकलवा दे। सभी लोग मुझे श्याम के नाम से पूजेंगे। जब यह बात राजा को बताई गई तो राजा ने उस स्थान पर खुदाई करवाई। उस खुदाई में बर्बरिक का सिर निकला, जिसे आज श्याम के नाम से पूजा जाता है। खुदाई स्थल पर एक कुंड बनाया गया, जिसे आज श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है। जय श्री श्याम। अपना स्नान तो हो गया, पूरे दिन ही नहाने के लिए। भाई ये चमत्कारी कुंडे, पहले मैंने बोला आपसे हर दुख का निवारण होता है यहाँ पे। भाई सर दिन आते रहते हैं यहाँ पे, सब देखो ये बोलो कभी बैठ गया मेरा। ये बोलो श्याम प्यारे की। जय बोलो हारे के सहारे की। जय बोलो तीन बाण धारे की। हे श्याम बाबा, गला ही बैठ गया तेरी जय जयकार लगाते लगाते। हर मनोकामना पूरी करना और हर बार हर महीने आऊं, यही प्रार्थना मेरी तो आपसे। श्याम कुंड से निकली मूर्ति को बाजार में स्थित एक शिव मंदिर के पास मंदिर में स्थापित किया गया। अच्छा, अच्छा श्याम कुंड, इसके साइड में राधा कुंड है। अच्छा अच्छा, हम भाई देख सकते हो यार कितना भव्य नजारा है यहाँ का। श्याम बाबा से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिखना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री श्याम।